नमस्कार दोस्तों, मैं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में बात करेंगे गर्मियों के बारे में। और गर्मी में सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है एयर कंडीशनर, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और पसीने आ जाते हैं बहुत ज्यादा, आपको बहुत अनईजी लगता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बाजार में कितने तरीके के एसी अवेलेबल है और कोशिश करेंगे कि हर एसी की एडवांटेज या डिसएडवांटेज डिस्कस करने के बारे में। अगर आप लोगों को एसी के बारे में काफी नॉलेज है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप कमेंट में अगर मेरे वीडियो में कोई कमी रह जाए तो वो जरूर आप लिखिएगा। और अगर आपको जानना हो कि कितने तरीके के बाजार में एयर कंडीशनर अवेलेबल है और कौन सा एयर कंडीशनर किसके लिए सूटेबल है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने तरीके के एसी है। तो सबसे पहला जो एसी आता है वो है विंडो एसी। विंडो एसी मतलब जो खिड़की पे जो लग जाता है वो एसी। वो ट्रेडिशनली जो सबसे शुरू में जो एसी बाजार में आया था वो विंडो एसी था और ये बहुत अच्छा एसी है। इस एसी में ज्यादा कोई कमियां नहीं है। एक तो ये एसी क्या होता है, इसकी एयर थ्रो बहुत अच्छी होती है, कूलिंग बहुत फास्ट करता है, जल्दी कूलिंग करता है किसी भी कमरे में। और तीसरी चीज जो है कि कोई भी रेंटल प्लेस है, अगर आप किराए पे कहीं रह रहे हैं तो ये एसी उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है कि जब भी आपको कहीं पे आपको शिफ्ट होना हो, वहां पे अगर प्रोविजन है विंडो एसी लगाने का तो आप अपना एसी एग्जिस्टिंग जो रेंटल अपार्टमेंट या जो भी जगह पे आप रह रहे हैं वहां से आप निकालें और जो नई जगह वहां पे इंस्टॉल कर दीजिए। वहां पे आपको कोई भी गैस डिस्चार्ज होने का, कोई भी लीकेज वगैरह का, किसी भी तरीके की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है और इस एसी को आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है विंडो एसी का। इस विंडो एसी का जो दूसरा एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नॉर्मली एक जो नया ट्रेंड चला है इन्वर्टर एसी का, वो बाद में बात करेंगे। वो विंडो एसी में इन्वर्टर एसी अभी अवेलेबल नहीं है जहां तक मेरी जानकारी। अगर अवेलेबल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस एसी की एक जो मेजर डिसएडवांटेज है, एक तो ये आवाज बहुत ज्यादा करता है, जो एयर थ्रो होती है उसकी आवाज काफी अच्छी आती है। और जो ट्रेडिशनल एयर कंडीशन जो कंप्रेसर होते हैं एसी में जो लगे हुए, वो जब ऑन होता है और जब ऑफ होता है तो उसकी आवाज आपको अंदर आ सकती है। अगर आपका एसी प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, अच्छे से इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, थोड़ा भी ढीला लगा हुआ है, तो जब भी कंप्रेसर चलता है तो एसी काफी आवाज करता है। आप लोगों ने काफी फिल्मों में भी इस टॉपिक पे डिस्कशन देखा होगा। इसको जो थ्रिलर मूवीज होती है उसमें भी आपने देखा होगा कि एसी की आवाज आ रही थी इसलिए अंदर आवाज नहीं आई, इस तरीके की आपने बातें सुनी होगी। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा सबसे फेवरेट एसी है। पहले विंडो एसी काफी फेवरेट होता था, आजकल थोड़ा प्रेफरेबली कोई भी लोग जो है विंडो एसी पसंद नहीं करते हैं, अनलेस एंड अंटिल कि उनकी कोई मजबूरी नहीं हो। अदरवाइज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है आज की तारीख में, वो है स्प्लिट एयर कंडीशनर। स्प्लिट एयर कंडीशनर का मतलब हो गया कि जो विंडो एसी था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो कंप्रेसर और जो पीसीबी यूनिट वगैरह, जो इलेक्ट्रिकल है, कूलिंग यूनिट्स वगैरह, जो भी ज्यादातर जो चीजें जो एसी का जो मशीन पार्ट है जिस वजह से आपको कूलिंग मिलती है, वो बाहर वाली यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है। जो अंदर की यूनिट है उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि अंदर से हवा खींचना, सक करना और ठंडी हवा को ब्लो करना, यही मेन काम होता है। तो सक करते समय जो उसके फिल्टर्स वगैरह होते हैं, अगर आपके जो अपने एनवायरमेंट में धूल वगैरह होती है वो उसमें जम जाती है, तो जब भी आप सर्विस कराएं तो अंदर से जो एक बाहर अलग से फिल्टर लगा हुआ होता है वो तो आप खुद भी साफ कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो जाली होती है उसमें भी काफी सारी धूल और काई जैसी चीज जम जाती है। अगर आपने काफी दिन से सर्विस नहीं किया है तो उसको जरूर सर्विस कराने के बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्प्लिट एसी होता है काफी इंटेलिजेंट एसी समझ लीजिए, बहुत अच्छा एसी है। एक तो ये है कि इसकी जो आवाज होती है, जो आउटर यूनिट की आवाज है, जो कंप्रेसर ऑन होता है या ऑफ होता है, उसकी आवाज बिल्कुल भी अंदर नहीं आती है और इवन बिल्कुल स्मूथ कूलिंग ऐसी फीलिंग आती है जो पहले वाले एसी में। और जो आजकल जो इंटेलिजेंट जो इन्वर्टर एसी आ गए हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में अभी और बात करते हैं इन्वर्टर एसी के बारे में। तीसरा जो एसी मार्केट में अवेलेबल है उसको कहेंगे हम टावर एसी। टावर एसी मतलब एक लंबा सा अलमारी जैसा एक इनर यूनिट होता है जिसको आप कहीं पे भी प्लेस कर दें। लेकिन वो टावर एसी का क्या एडवांटेज है, एक तो उसका वही जो विंडो एसी का जो एडवांटेज, ऐसा समझ लीजिए विंडो एसी को और स्प्लिट एसी की जो दोनों की जो अच्छाइयां हैं उसको एक चीज में ब्लेंड करके टावर एसी बनाया गया है। ये बड़ी एरिया में, कॉमर्शियल स्पेसेस में या बहुत फ्रीक्वेंट दरवाजे जिसमें खुलते हैं, मैरिज फंक्शंस में, ये बैंक्वेट्स में, इनमें ज्यादातर लगता है। और कहीं पे किसी पर्टिकुलर एरिया में जब कूलिंग नहीं हो पाती है तो वहां पे भी टावर एसी लगाया जाता है। तो टावर एसी का क्या होता है कि टावर एसी की हाइट काफी बड़ी होती है, तो इनर यूनिट काफी बड़ा होता है, उसमें जो कूलिंग कॉइल्स वगैरह, एयर सक्शन वगैरह और एयर थ्रो का जो प्रेशर है वो काफी अच्छा रहता है। और इसकी एक आउटर यूनिट बाहर लगी हुई होती है जैसे स्प्लिट एसी पे लग जाता है। इसकी एक एडवांटेज, मेन जो ये एडवांटेज है कि ये किसी भी एरिया को बहुत तेजी से कूलिंग दे सकता है। बट ये रेसिडेंशियल सेगमेंट में या किसी को, जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, अनलेस एंड अंटिल कोई आपके फार्म हाउस में, आउट हाउस वगैरह हो,
वहां पे जरूर इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बाहर से टेम्परेचर आ रहा होता है, गर्मी आ रही होती है, और अंदर आपको फ्रीक्वेंटली कूलिंग करनी पड़ती है, तो टावर एसी वहां पे सूट कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज मैंने नोट किया है कि टावर एसी रेसिडेंशियल सेगमेंट में किसी को भी नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से किसी को सूट भी नहीं करेगा। तीसरा एसी जो अभी मार्केट में आया है उसे कहते हैं पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी होता है छोटा सा एक एसी होता है, करीब करीब 1 टन कैपेसिटी की होती है, और उसमें बाकी सारी जितने भी जो कूलिंग सिस्टम का जो भी चीजें हैं, कूलिंग कॉइल, पीसीबी वगैरह सारी उसी यूनिट में होती है। बस एक उसमें एक एग्जॉस्ट पाइप होता है जिससे गर्म हवा बाहर फेंकने की सुविधा होती है, तो उसको कहते हैं तो पोर्टेबल एसी है, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज वेरी पोर्टेबल, क्योंकि वो जो आउट जो पाइप होता है जो थ्रो गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए जो पाइप होता है वो कहीं ना कहीं पे आपको बाहर निकालना पड़ता है, और ये करीब करीब आप समझ लीजिए 1 टन की कैपेसिटी का होता है, तो करीब आप 1-1.5 घंटा अगर आप चलाएंगे, और छोटी एरिया में अगर आपकी 100-150 स्क्वायर फुट का करीब का कमरा है तो ये इफेक्टिव है, बट अगर 150 स्क्वायर फुट का या इससे बड़ा कमरा है तो ये काफी बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं रहता है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। अगर आपको चाहिए तो ये पोर्टेबल एसी होती है, इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप एसी लाइए, खोलिए, प्लग लगाइए, और जो एग्जॉस्ट पाइप है उसको आप बाहर किसी भी तरीके से खिड़की में कोई होल हो या कहीं पे कांच को कट करके किसी तरीके से आप एग्जॉस्ट पाइप उसमें लगा दीजिए, और आपको अगर आपने एग्जॉस्ट पाइप नहीं लगाया है तो वो कूलिंग भी करता रहेगा और गर्म हवा भी अंदर ही फेंकता रहेगा, तो इफेक्टिव नहीं रहेगा। फिर एक ऐसी जो आता है उसको कहते हैं कैसेट एसी, वो थोड़ा बड़ी साइज में सीलिंग में लग जाता है और 1.5 टन से ऊपर ही आता है जहां तक मुझे उम्मीद है, और वो एसी, उस एसी की एडवांटेज ये है कि वो चारों तरफ एयर को फ्लो करता है, इधर भी हवा फेंकेगा, इधर लेफ्ट साइड में फेंकेगा, उधर भी फेंकेगा, इधर भी फेंकेगा, और सीलिंग में लगा हुआ रहता है, पावर अच्छा होता है उसका, वो भी काफी तेजी से और जल्दी कूलिंग करने के लिए जाना जाता है, और कहीं पे आपको शो ऑफ भी करना हो, थोड़ा आपको ऐसे दिखाना हो कि मेरा एसी थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए भी काफी इफेक्टिव है, लेकिन रेसिडेंशियल सेगमेंट में मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन हाँ अगर आपके घर में कोई बड़ा सा ड्राइंग रूम हो या सिटिंग एरिया हो वहां पे डेफिनेटली ये काम में आ सकता है, बट अगर आप रूम्स में कूलिंग करना चाहें तो स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्प्लिट एसी पे ही फोकस करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक बहुत पॉपुलर एसी है, अगर आपका बड़ा मकान है तो वीआरवी सिस्टम भी आप लगा सकते हैं, वेरिएबल रेफ्रिजरेशन कूलिंग या वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, ऐसे किसी किसी का ब्रांड के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है, कोई एक नाम किसी कंपनी ने रजिस्टर किया हुआ, तो वीआरवी मतलब हो गया कि एक यूनिट है आउटर यूनिट, उसी से आपके अंदर 2, 4, 6, 8 ऐसे अलग अलग यूनिट चल सकते हैं, और वो जो अंदर के यूनिट है वो बाहर वाली यूनिट को डिफरेंट लोड्स देंगे। जैसे सपोज मान लीजिए आपके घर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में 6 एसी लगे हुए और उसमें से सिर्फ आप 1 एसी चलाते हैं, तो वेरिएबल जो वीआरवी जो बाहर लगा हुआ उसमें एसी, एक ही एसी का लोड जाएगा, जब आप दूसरा एसी ऑन करेंगे तब दूसरे एसी का लोड जाएगा, तीसरा एसी ऑन करेंगे तो तीसरे एसी का लोड जाएगा। इसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि ये एक ही आउटर यूनिट से अंदर की अलग अलग यूनिट चल जाती है, कूलिंग काफी अच्छी होती है इसकी, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है कि ये खराब हो गया अगर तो आपके अंदर के करीब करीब सारे एसी बंद हो जाएंगे। तो स्प्लिट एसी में ये एडवांटेज है कि आपने अलग अलग यूनिट लगा रखी है तो अलग अलग एसी चलेगा, कभी कभी मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया का एसी, एक एसी खराब हो गया तो बाकी का दूसरा चलता रह सकता है। तो वीआरवी का एडवांटेज भी, वीआरवी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि वीआरवी एसी क्या होता है, और वो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाली चीज है तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को खत्म होने से पहले हम इन्वर्टर एसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इन्वर्टर एसी आजकल आ रहे हैं, एक नॉर्मल इन्वर्टर, फिर डबल इन्वर्टर, फिर ट्रिपल इन्वर्टर, ये इस तरीके के एसी जो आते हैं ये काफी अच्छे हैं, जो न्यू जनरेशन एसी इनको मान सकते हैं, कि अभी जो नया जनरेशन है इसमें क्या होता है कि इसका जो कंप्रेसर होता है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके कमरे के अंदर कितनी गर्मी है उस हिसाब से वो लोड लेता है। अगर गर्मी सपोज मान लीजिए आपकी बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है या रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है और उसको आपको 25 डिग्री में लाना है तो वो शुरू में काफी तेजी से काम करेगा, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कूलिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंप्रेसर का जो लोड है उसमें जो रोटेटर्स होते हैं वो उसका पावर कम होता जाएगा, कम यूज करता जाएगा, लेकिन वो बंद नहीं होगा। जो ट्रेडिशनल पुराने जमाने के एसी में क्या होता है कि कंप्रेसर चालू होता है, कूलिंग करता है, बंद हो जाता है, फिर जब गर्मी बढ़ने लग जाती है वो सेंसर डिटेक्ट करता है, फिर वो पावर फुल पावर में चालू होता है, फिर तेजी से ठंडा करता है, फिर बंद हो जाता है। लेकिन जो इन्वर्टर एसी होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, उसको जितनी मेहनत करनी है उतनी ही मेहनत करेगा, फिर जैसे जैसे उसकी मेहनत जो मतलब ताकत लगाने की जरूरत कम होती जाएगी तो उतनी वो ताकत कम लगाता जाएगा। जैसे बिजली की बचत काफी अच्छी हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा एसी यूज करते हैं, तो अगर आप कम एसी यूज कर सकते हैं तो इसका कोई बहुत ज्यादा मेजर एडवांटेज नहीं है, लेकिन अगर आप काफी देर तक जैसे सपोज मान लीजिए 8 घंटे 10 घंटे एसी चलाते हैं तो इसमें आपको पावर सेविंग काफी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप समझ लीजिए गाड़ी अगर आप शहर में चलाते हैं तो कोई ज्यादा एवरेज नहीं देती है, बट आप हाईवे में चलाते हैं काफी देर तक, सुबह आप निकले और करीब आप समझ लीजिए दोपहर में कहीं पहुंचते हैं तो उस जो डिस्टेंस होता है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का जब आपकी गाड़ी कवर करती है तब जो मैक्सिमम एवरेज वो गाड़ी दे सकती है एक यूनिफॉर्म स्पीड में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो वो एवरेज देती है। उसी तरीके से जो इन्वर्टर एसी है वो भी काफी कम पावर लेता है अगर आप बहुत देर तक
उसको चलाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए शुरू में वो 1600-1800 वाट बिजली ले रहा होगा, तो लास्ट में जाकर के जब आपके 6-7 घंटे हो जाएंगे उसको चलाते हुए, तो लास्ट में हो सकता है 300-400 वाट ही बिजली लेने लग जाए। तो पावर सेविंग काफी अच्छी है अगर आपके यहाँ पे एसी की लंबी मतलब ज्यादा देर तक आप उसको यूज करने वाले हो। जैसे आपके ऑफिसर्स है उसमें सुबह 10 बजे एसी चालू होता है, तो कम से कम शाम को 6-7 बजे 8 बजे तक एसी चलता रहता है, वहां पे इन्वर्टर एसी काफी अच्छा है। घरों में भी अगर आप ज्यादा एसी यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छा है इन्वर्टर एसी। एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आप लोगों को, वैसे ज्यादातर लोगों को सबको पता है कितने तरीके के एसी होते हैं, फिर भी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें, तो इसके बारे में ये एसी का वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गर्मी आ रही है, एसी आप लोग खरीदेंगे, एसी खरीदना चाहें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, इंस्टॉलेशन का एक इशू होता है, तो जिससे भी आप ऑनलाइन एसी खरीदें तो आप चेक कर लीजिएगा कि वो इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे किसी भी ब्रांड की बात नहीं करेंगे, फिर भी जो एसी का जो मार्केट है उसको मैं हल्की सी आपको आइडिया दे देता हूँ। उसमें कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो अच्छे एसी बनाते हैं और कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो ज्यादा अच्छे एसी नहीं बनाते हैं। तो जो अच्छे ब्रांड के एसी बनाते हैं उनकी पावर बिजली का कंजम्पशन भी कम होता है, कूलिंग भी बहुत अच्छी होती है और काफी सालों तक ट्रबल फ्री सर्विस देते हैं। और जो थोड़े ज्यादा अच्छे एसी जो लोग नहीं बनाते, जो रेट के हिसाब से सस्ते एसी बनाते हैं, उनकी कूलिंग भी थोड़ी कम होती है, वो बिजली भी ज्यादा खाते हैं और बार बार खराब भी हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो ये भी दीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप लाइक दोगे तो मुझे लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और एसी के साथ रहेंगे तब भी चलेगा, बिना एसी के साथ रहेंगे तब भी चलेगा। अपने शरीर को तकलीफ देते रहिए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए और लिफ्ट का प्रयोग कम कीजिए, मतलब अपने शरीर को तकलीफ देते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।